चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्लॉक शोन इन द डायग्राम दैट आर बीइंग पुश्ड बाय अ कांस्टेंट फोर्स ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल। ए कह रहा है ऑल ब्लॉक्स मूव विद द सेम एक्सेलरेशन, बी कह रहा है द नेट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक इज द सेम, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो पहली बात, जब आप फोर्स लगाते हो एक ही एक्सटर्नल फोर्स है और तीन मासेस हैं डिफरेंट वैल्यू के, तो जब आप फोर्स लगाओगे तो तीनों एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे, ठीक है, तीनों के तीनों एक ही एक्सेलरेशन। जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन को इंजन खींचता है तो सारी बोगियां एक ही एक्सेलरेशन से चलती है ना, ऐसा थोड़ी है कि अलग अलग बोगियां अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगी। तो तीनों जो ब्लॉक्स हैं वो तीनों एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे, लेकिन मास अलग अलग होने पर तीनों की फोर्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग होगी। ये पॉइंट याद रखना, जिसका मास ज्यादा होगा वो ज्यादा फोर्स उसको चाहिए, जिसका मास कम होगा उसको कम फोर्स चाहिए होगा, लेकिन तीनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, लेकिन फोर्स की रिक्वायरमेंट तीनों को एक साथ चलने के लिए रिक्वायरमेंट मास के अकॉर्डिंग बदलेगी। मास ज्यादा तो फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा, मास कम तो फोर्स की रिक्वायरमेंट कम। तो कौन सा ए ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बी वाला गलत है, तो कौन सा सही है? ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।